हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 सेट थ्योरी एनसीईआरटी क्लास 11th को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, ए यूनियन बी का, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा था, ठीक है। अगर तीन सेट दिया हो तो उसके लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस, लास्ट में क्या था, प्लस था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। एक्सरसाइज है हमारा 1.6। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज, अपने बुक में देखना क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, दो सेट्स दिया हुआ है इस तरीके से, नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू, वो है 17, नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये है 23, एंड नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये है इक्वल्स टू 38, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट द नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। सो वैल्यू ये देखो, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का वैल्यू आपको गिवेन है, कितना है 38, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स कितना 17 है एलिमेंट, नंबर ऑफ वाई में कितना एलिमेंट है 23, एंड दिस इज एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, इसको इधर लेकर आगे, तो ये हो गया नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 23 7 30 10 40 माइनस ये कितना 38, दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन प्लस माइनस करना है, फॉर्मूला का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज एन एलिमेंट, मतलब मिल गया क्या कि एक्स यूनियन वाई, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 18 है, एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8, एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू 15, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, देन इट इज जस्ट सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, सेम टू सेम है, ठीक है। ये कितना हो गया, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई हम लोग के पास मेंशन है वो है 18, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स इज 8 प्लस नंबर ऑफ वाई कितना हुआ 15, एंड दिस इज माइनस ऑफ नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। वैल्यू निकालना है किसका, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, 15 8 23 18 इधर गया माइनस हुआ, ठीक है, -18 दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, आसानी से इसको कोई भी बना सकते हैं और आँख मूंद कर नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, इन अ ग्रुप ऑफ
400 people, 200 can speak Hindi and 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? तो मान लेते हैं कि हम लोग हिंदी के लिए H अल्फाबेट का यूज करते हैं एंड अदर वन सब्जेक्ट इज इंग्लिश, राइट? सो इंग्लिश इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ ई. सो जो डेटा गिवन है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं. इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मतलब टोटल कितना 400 पीपल है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं यूनियन का वैल्यू है 400. ठीक है, तो ये देखो हम लोग नंबर ऑफ एच यूनियन ई, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले को मिक्स कर लेंगे तो वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश का यूनियन हो जाएगा, राइट? तो ये कितना हुआ हमारे पास, दैट इज गिवन 400 एंड 250 कैन स्पीक हिंदी, therefore number of h is equal to हो गया 250, 200 can speak English, ठीक है, तो ये हो गया number of e equals to 200. find क्या करना है हम लोगों को, how many people can speak both Hindi and English. अब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलेंगे, मतलब क्या, दोनों सेट में कॉमन, उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन, दैट मीन्स एच इंटरसेक्शन ई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है. अब देखो यहाँ पर ये गिवन डेटा है एच यूनियन ई का, डेट इज 400 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एच की कितना हुआ हमारा 250 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले हो गए 200 माइनस नंबर ऑफ दोनों बोलने वाले, ठीक है. अब निकालना है किसका, इसका वैल्यू ना. अभी से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारा सेम है. देखो इसका वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू ये कितना हो गया 450 माइनस कितना हो गया ये 400, दैट इज इक्वल्स टू 50. ठीक है, आसान था बहुत ही. तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, दैट इज इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स. जो भी आपको डेटा पहले मिल जाए उसको लिख लो. नंबर ऑफ एस मिल गया हमारे पास कितना है, वो 21 है. टी हैज 32 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ टी मिल गया कितना 32. एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11, यानी कि नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स. हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैज, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस यूनियन टी, इसमें कितने एलिमेंट होंगे. फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करो जो हम लोगों ने पढ़ा है. एस यूनियन टी क्या होगा, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, बहुत ही आसान है, ठीक है. तो लिख दो नंबर ऑफ एस कितना है 21 प्लस नंबर ऑफ टी 32 और माइनस क्या कर लेंगे, जो दोनों में बैठे होंगे एक साथ, मतलब 11, ठीक है. ऐड करो कितना हो गया ये 353 माइनस 11, दैट इज इक्वल्स टू 42, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है. मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो 5 करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है देखो, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, तो फिर से लिख लो नंबर ऑफ x है वो कितना है हमारे पास 40 एलिमेंट्स हो गया. x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ x यूनियन y ये हो गया 60. और कौन सा डेटा है भाई, एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, तो मिल गया नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ये कितना है 10 है. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज वाई हैव, देन वाई के पास कितना एलिमेंट है ये फाइंड करना है. फॉर्मूला कुछ नहीं, वही करना है.
नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। शुरू से लेकर अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा, तोते की तरह रट कर बैठे हो गए। तो ये हो गया नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई कितना होगा, 60 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स कितना है 40 प्लस नंबर ऑफ वाई कितना है बच्चे, ये तो निकालना है, पता नहीं है ठीक है। तो दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, इंटरसेक्शन का वैल्यू है वो है 60। आराम से जोड़ घटाव कर लो ठीक है, टू और थ्री क्लास में हमने सीखा है इसको। 60 माइनस 40 इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाई माइनस 60। एक बार और इधर कर लो बच्चे, तो ये हो गया नंबर ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 20 था ना 20, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 60 इक्वल्स टू 80। कितना आसान था, चलो तो आसान था। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं ठीक है। देखो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो सबके लिए ऐसा नहीं लिखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉपी कॉफी इज इक्वल टू, ऐसा नहीं। बस एक इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट कंसिडर कर लेना, ऐसा नहीं कि कॉफी है तो उसको सी से डिनोट करें, आप कुछ भी लिखो बस मेंशन कर देना ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। अब 70 पीपल का ग्रुप है मतलब वो पूरे के पूरे यूनियन की बात करेगा ठीक है, चाहे कितने भी ग्रुप्स होंगे, चार ग्रुप्स का बात करें, अगर टोटल पीपल है मतलब चारों का यूनियन, क्लियर। तो देखो 37 लाइक कॉफी, तो एक आ गया हम लोग का कि कॉफी है, कॉफी को चलो सी से डिनोट कर लेते हैं ठीक है। 52 लाइक टी, टी के लिए क्या यूज करें, चलो टी ही यूज कर लो, आसान है। एंड ईच पर्सन, चलो दो ही का बात है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ कॉफ़ी, ये गिवन कितना है 37, कि 37 है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, एंड 52 टी पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ टी है वो कितना 52% पसंद करते हैं ठीक है। और ग्रुप ऑफ पीपल कितना है 70, टोटल 70 पीपल हैं ठीक है, तो नंबर ऑफ सी कॉफ़ी यूनियन टी ये कितना है 70 ठीक है। अब फाइनली वी हैव टू फाइंड दैट हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। अब कॉफी एंड टी दोनों ठीक है, तो ये हमारा कितना फाइंड, हम लोगों को क्या करना है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये फाइंड करना है ठीक है। फॉर्मूला वही होगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ठीक है, क्लियर है। चलो सी यूनियन टी का वैल्यू है 70, टोटल 70 पीपल है, कॉफ़ी कितने लोग पसंद कर रहे हैं 37 प्लस टी कितने लोग हैं 52, और ये इसका तो वैल्यू निकालना है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ठीक है। तो चलो इसको इधर लेकर आ जाओ, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी मतलब दोनों पसंद करने वाले कितने होंगे, तो ये हो गया कितना 98 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 90 पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब फिर ग्रुप ऑफ पीपल दिया मतलब ये पूरे का यूनियन बता रहा है ठीक है। 40 लाइक क्रिकेट, अगेन क्रिकेट को हम लोग डिनोट कर लेते हैं किससे, सी से, और चलो आपने बताया सर किसी से भी कर लेते हैं, चलो क्रिकेट को हम लोग कर लेते हैं बी से, कोई फर्क नहीं पड़ता बस ध्यान रखना। एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, टेनिस का जिक्र हो गया बच्चे, तो टेनिस को क्या से कर ले, बी के बाद सी आता है ना, सी डी कर लो ठीक है। और अच्छे से चलो क्रिकेट का फेवरेट प्लेयर मेरा सचिन तेंदुलकर, और टेनिस में रोजर फेडरर आर ठीक है, ये मेरी पसंद है तो आप अपना देख लेना। ये तो हो गया टोटल है क्रिकेट और
टेन इसका जिक्र हो रहा है। तो देखो आप क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 65, यानी कि हम लोग के पास मिल गया नंबर ऑफ एस यूनियन आर, ठीक है, क्रिकेट और टेनिस, ये कितना है हम लोग के पास 65। 40 लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट के लिए एस है तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 40, ठीक है, और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, दैट मींस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन आर ये है वो कितना 10। सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, हाउ मैनी लाइक टेनिस, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ एस यूनियन आर, ये क्या नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ आर माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन आर, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें वेन डायग्राम का जिक्र करेंगे, ठीक है, यहाँ पर है 65 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस से क्रिकेट, ध्यान देना कितना हुआ 40, नंबर ऑफ टेनिस का पता नहीं है लेकिन दोनों खेलने वाले का पता है, ये कितना है 10। तो यहाँ से टेनिस खेलने वालों का नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इंटरसेक्शन टी 65, ध्यान देना ये 65 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 65 माइनस था इधर से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30, दैट इज 35। अब ये कितना, ये जो प्लेयर हैं, ठीक है, ये जो प्लेयर हैं वो लाइक करते हैं कितना 35 पीपल लाइक टेनिस, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे क्वेश्चन क्या था, एक लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ठीक है। तो ध्यान देना ये जो 35 निकल रहा है, ठीक है, ये इसमें दोनों खेलने वाले भी शामिल है, ठीक है, वेन डायग्राम से समझो इसको, ये हो गया क्या एस फोर क्रिकेट और ये हो गया आर फोर टेनिस, ठीक है। अब देखो दोनों खेलने वाले कितने हैं 10, यहां पर बैठा दो, और टोटल नंबर ऑफ एस यानी कि क्रिकेट खेलने वाले कितने थे 65, 40 है ना, तो 10 तो यहाँ पर हो ही चुके हैं, 10 ये लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं और टेनिस दोनों, तो ये भी इसमें काउंट हो गया, तो यहाँ पर 40 टोटल है, तो अब इधर हो गया 30, क्लियर। अब देखो सिर्फ और सिर्फ जो कि टेनिस पसंद करे खेलना, तो टेनिस के लिए हम लोग के पास कितना है 35, क्लियर है, तो 35 में सिर्फ टेनिस खेलेंगे क्रिकेट नहीं, तो 35 माइनस क्या कर लेंगे 10, तो ये हो गया 25, ऐड करो सारा का सारा 65 ही आएगा, ठीक है, दैट मींस क्या होगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस, पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस बट नॉट क्रिकेट इक्वल्स टू कितना, ये टोटल 35 है उसमें से माइनस कर लेंगे, ये जो क्रिकेट खेलने वाले इस रीजन में कितने आ रहे हैं 10, तो 10 माइनस ये आ गया 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन था सर, तो आसान था, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हालांकि ये अपने से बना सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ नया लग रहा था इसलिए बताया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच के लिए एफ, उसके बाद 20 स्पीक स्पैनिश के लिए एस, ठीक है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पैनिश एंड फ्रेंच, तो ये तो हो गया। चलो अब बताते हैं कि नंबर ऑफ एफ ये कितना है हमारे पास बच्चे, ये है 50, राइट, एंड 20 स्पीक स्पैनिश, दैट इज नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 20, 10 स्पीक्स बोथ स्पैनिश एंड फ्रेंच, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ
स्पेनिश एंड फ्रेंच इक्वल्स टू 10. हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, राइट? क्या क्वेश्चन है कि अब दोनों लैंग्वेज में से कितने लोग कम से कम एक बोलेंगे? ठीक है, अब कोई यहाँ पर गूंगे नहीं है, कोई ना कोई एक लैंग्वेज बोलेंगे ही. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है किसका, वैल्यू एस यूनियन एफ का, तभी तो पता चलेगा ना कि ग्रुप ऑफ पीपल में जो दो लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज बोलेंगे ही. ठीक है, तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, एस यूनियन एफ, नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ फ्रेंच माइनस नंबर ऑफ बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. नंबर ऑफ फ्रेंच हो गया 50, नंबर ऑफ स्पेनिश कितना था 20, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था लेकिन समझ में आना चाहिए. नंबर ऑफ फ्रेंच अब हो गया 50 माइनस दोनों बोलने वाले कितने हैं 10, हो गया 70 माइनस 10 इक्वल्स टू 60. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.6, बहुत ही आसान था. ठीक है, बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि बहुत ही आसान है. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू.